हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। दोस्तों, आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के पेपर में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है उसको दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों हर एग्रीकल्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर वन, धान और गन्ना किस प्रकार के पादप है? धान और गन्ना किस प्रकार के पादप हैं? ऑप्शन में है फ्रेंड्स, लघु दीप्तकाल पादप, दीर्घ दीप्तकाल पादप, दिवस निष्प्रभावी पादप, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, धान और गन्ना लघु दिवस दीप्तकाल पादप है। दोस्तों, लघु दिवस दीप्तकाल पादप ऐसे पादप होते हैं दोस्तों जिनको प्रकाश की रिक्वायरमेंट 10 घंटे होती है और लंबी रातों की आवश्यकता होती है, ऐसे पादप को लघु दिवस पादप कहते हैं। दोस्तों, अधिकतर लघु दिवस जो पादप होते हैं वो खरीफ वाली फसलें होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, बाजरा, मक्का, गन्ना, धान आदि। दोस्तों बात करें दीर्घ दीप्तकालीन पादप की, तो दोस्तों ये ऐसे पादप होते हैं जिनको प्रकाश की आवश्यकता 14 घंटे होती है और छोटी रातों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों इसमें अधिकतर जो फसलें आती है वो रबी की फसलें आती है दोस्तों, जैसे गेहूं, जौ, चना आदि। दोस्तों दिवस निष्प्रभावी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनको तीनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है, खरीफ, रबी और जायद, तीनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है, ऐसे पादप दिवस निष्प्रभावी पादप कहलाते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए सूरजमुखी, कपास, टमाटर आदि। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू, एसिटिलीन किसका अशुद्ध रूप है? दोस्तों एसिटिलीन कौन से हार्मोन का अशुद्ध रूप है? जिब्रेलिन, एब्सेसिक एसिड, मेलिक हाइड्रेजाइड, इथिलीन। तो दोस्तों जो एसिटिलीन है ये इथिलीन का अशुद्ध रूप है। दोस्तों ये गैस अवस्था में पाया जाता है यह हार्मोन, और दोस्तों ये फलों को पकाने में काम में लिया जाता है, फलों को पकाने में। दोस्तों जो ये हार्मोन है वृद्धि रोकने वाले हार्मोन है दोस्तों, एब्सेसिक एसिड, मेलिक हाइड्रेजाइड और एथिलीन, ये तीनों जो हार्मोन है वृद्धि रोकने वाले हार्मोन है दोस्तों। और दोस्तों बात करें जिब्रेलिन की, तो दोस्तों जो जिब्रेलिन हार्मोन है कोशिका की परिमाप में वृद्धि करता है, आकार में वृद्धि करता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री, रहट क्या है? एक पादप, सिंचाई का एक साधन, एक पशु की नस्ल, रोग। तो दोस्तों रहट सिंचाई का एक साधन है और दोस्तों ये सबसे प्राचीनतम साधन है। दोस्तों रहट साधन जो होता था इसमें क्या होता है, जो कुआ रहता है उसमें से पानी बाहर निकाला जाता है दोस्तों। यहाँ पर रहट बना होता है जिसमें बाल्टियां लगी होती है फ्रेंड्स, और ये बेल की सहायता से घुमाया जाता है। और दोस्तों जैसे ये घूमता है तो इसका पानी इधर बाहर आ जाता है और इससे सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर, इंदिरा गांधी नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, गंगानगर, जैसलमेर। तो दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है इंदिरा गांधी नगर से, वो की जाती है गंगानगर जिले में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विराट वस्तु किसे कहा? भाखड़ा नहर परियोजना, नर्मदा नहर, चंबल नहर, गुड़गांव नहर परियोजना। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विराट वस्तु भाखड़ा नहर परियोजना को कहा है, और दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, इसलिए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको विराट वस्तु कहा है। और दोस्तों भाखड़ा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो भाखड़ा बांध है सबसे बड़ा बांध। और दोस्तों भाखड़ा नहर परियोजना से सबसे अधिक सिंचाई दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर में होती है, हनुमानगढ़ वो गंगानगर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि है? फ्लड विधि, क्यारी विधि, सारा विधि, थाला विधि। तो दोस्तों गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त जो विधि है वो है दोस्तों क्यारी विधि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। दोस्तों इस विधि में क्या होता है, क्यारियां बना ली जाती है और सिंचाई की जाती है इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर सेवन, एक हेक्टेयर भूमि में 24 घंटों में निकाली गई पानी की मात्रा को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर पानी है, निकाली गई पानी की मात्रा को क्या कहा जाता है?
राष्ट्रीय जल निकास, जल उपयोग दक्षता, जल निकास गुणांक। तो दोस्तों एक हेक्टेयर भूमि से 24 घंटों में निकाली गई पानी की मात्रा को जल निकास गुणांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस खरपतवार को छूने से मनुष्य में अस्थमा रोग होता है? मोथा, सत्यानाशी, गाजर घास, कृष्ण नील। तो दोस्तों गाजर घास को छूने से मनुष्य में अस्थमा रोग होता है, और दोस्तों गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण का उपयुक्त समय है 15 से 45 दिन, 20 से 45 दिन, 30 से 45 दिन, 30 से 75 दिन। तो दोस्तों सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण का उपयुक्त समय है 20 से 45 दिन। दोस्तों जब सोयाबीन की फसल 20 दिन की हो जाए तो 20 दिन के बाद ही खरपतवार नियंत्रण के लिए अपने को दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। जब दोस्तों जो प्लांट है उसमें 2 से 3 पत्तियां आ जाए, और दोस्तों 2 से 3 पत्तियां 20 दिन के सोयाबीन में आ जाती है और जो कचरा होने लगता है तब इसको स्प्रे करना चाहिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल में उगने वाला खरपतवार है हजार दाना, बथुआ, प्याजी, पीली सेंजी। तो दोस्तों खरीफ की फसल में उगने वाला खरपतवार है हजार दाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 2,4-D के प्रयोग से नष्ट किया जा सकता है एक बीजपत्री खरपतवार को, द्विबीजपत्री खरपतवार को, ए और बी दोनों को, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों 2,4-D के प्रयोग से द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है, जैसे दोस्तों बथुआ, लटकीरा, कृष्ण नील आदि खरपतवार। लेकिन दोस्तों एक अपवाद है, मोथा, जो दोस्तों एक बीजपत्री खरपतवार है मोथा, मोथा भी 2,4-D से नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य फसल में पहले सीजन में बोई गई फसल के पौधों का उगना क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार, नकलची खरपतवार, स्वैच्छिक खरपतवार, शैतान खरपतवार। तो दोस्तों मुख्य फसल में पहले सीजन में बोई गई फसल के पौधों का उगना स्वैच्छिक खरपतवार कहलाता है, जैसे दोस्तों मूंगफली और ग्वार का द्वितीय सीजन में वापस उगना। दोस्तों बात करें सापेक्ष खरपतवार की, तो दोस्तों सापेक्ष खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जो बिना उगाए उग जाते हैं, जैसे दोस्तों गेहूं की फसल में जौ का उगना। और दोस्तों बात करें नकलची खरपतवार की, तो दोस्तों नकलची खरपतवार जैसे गेहूं की फसल में जो गुल्ली डंडा होता है बिल्कुल सेम इसके जैसा दिखाई देता है, तो इस खरपतवार को नकलची खरपतवार कहा जाता है। और दोस्तों बात करें शैतान खरपतवार की, तो दोस्तों ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो बड़ी आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे खरपतवार को शैतान खरपतवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से रेगिस्तानी खरपतवार है नागफनी, खरतवा, प्याजी, ए और बी। तो दोस्तों रेगिस्तानी खरपतवार है नागफनी, नागफनी, बबूल आदि। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे ज्यादा खरपतवार नाशियों के प्रयोग का सही क्रम है? दोस्तों सबसे ज्यादा खरपतवार नाशी गेहूं में, फिर उसके बाद चाय, धान, बी ऑप्शन में धान, गेहूं, चाय, थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन में दोस्तों चाय, फिर धान, फिर गेहूं, डी ऑप्शन में धान, चाय और गेहूं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा खरपतवार नाशियों का जो सही क्रम है दोस्तों वो है धान। दोस्तों धान में सबसे ज्यादा खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद गेहूं में, फिर उसके बाद चाय में। क्वेश्चन नंबर 15, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम किसका वानस्पतिक नाम है? मेथी, सौंफ, धनिया, जीरा। तो दोस्तों ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम मेथी का वानस्पतिक नाम है दोस्तों। और बात करें दोस्तों इसकी सीड रेट की, तो दोस्तों मेथी की सीड रेट लेते हैं 20 से 25 केजी, और दोस्तों जो इसकी फैमिली है वो है लेग्यूमिनेसी। और दोस्तों बात करें सौंफ के वानस्पतिक नेम की, तो दोस्तों इसका वानस्पतिक नेम फोइनोकुलम वल्गेर, और दोस्तों धनिया का कोरिएंडरस सैटिवम, और दोस्तों जीरा का क्यूमिनम साइप्रस। दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपके लिए, दोस्तों यहाँ पर एक सोयाबीन का पौधा लगा हुआ है और इसके ऊपर एक इंसेक्ट लगा हुआ है और दोस्तों ये सोयाबीन की पत्तियों को खा रहा है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इस इंसेक्ट का नाम बताना है कि ये इंसेक्ट कौन सा है। दोस्तों बात करते हैं लास्ट वीडियो के प्रीवियस क्वेश्चन की, कि उसका राइट आंसर किसने दिया है और आंसर क्या था। कौन से जलवायु, तो दोस्तों क्वेश्चन था
कौन से जलवायु खंड में लाल धूसर मृदाएं पाई जाती है? तो दोस्तों उस क्वेश्चन का राइट आंसर था सेकंड बी। दोस्तों जो सेकंड बी है इसमें लाल धूसर मृदाएं पाई जाती है, और दोस्तों इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो आती है जालौर, पाली, जोधपुर एंड पार्ट ऑफ सिरोही। दोस्तों जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है उनका नाम है सुभाष चंद्र, अलमुद्दीन खान, नवरत्न कुमावत, रामावतार शर्मा, बीरू प्रकाश, शुभम त्रिपाठी, आदिल सिंह, राजेश जी डामोर, साहिल स्काई। दोस्तों आप सबने बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर दिया। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कैप्टन एग्रो चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों हर एग्रीकल्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।